नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, इस वीडियो में हम जानने वाले हैं स्किन को ग्लो करने के लिए, फेयर बनाने के लिए, साथ ही झुर्रियों को हटाने के लिए आप घर पर स्ट्रॉबेरी फेस मास्क कैसे बना सकते हैं। दोस्तों, स्ट्रॉबेरी में अधिक मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट होते हैं जो स्किन को फ्री रेडिकल्स द्वारा होने वाले नुकसानों से बचाती है। इसके अलावा स्ट्रॉबेरी में अच्छी मात्रा में विटामिन सी होता है जो कि स्किन टोन को हल्का करता है, मुहासे हटाता है, ड्राई स्किन को ऊर्जा प्रदान करता है और नई कोशिकाओं का निर्माण भी करता है। तो चलिए जान लेते हैं कि आप घर पर स्ट्रॉबेरी से फेस मास्क कैसे बना सकते हैं। दोस्तों, इस वीडियो को शुरू करने से पहले आपको बता दूं, अगर आपने हमारे YouTube चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए जान लेते हैं सबसे पहले कि सामग्री की आपको क्या आवश्यकता होगी। आपको जरूरत पड़ेगी 100 ग्राम स्ट्रॉबेरी की, 1 चम्मच नींबू के रस की और 2 चम्मच दूध पाउडर या दूध। आपको क्या करना है, 100 ग्राम पक्की स्ट्रॉबेरी लेकर बारीक पीस लें। अब इसमें 1 चम्मच नींबू का रस डालें और 2 चम्मच दूध पाउडर या दूध डाल लें। पूरे मिश्रण को आप क्या करें, भली भांति अच्छा सा मिक्स कर लें। उसके बाद अपने चेहरे को साफ कर लें। साफ करने के बाद चेहरे और गर्दन पर इस लेप को बराबर मात्रा में लगा लें और 20 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ दें। 20 मिनट बाद आप क्या करें, मास्क को ढीला करने के लिए चेहरे पर हल्का सा पानी छिड़के और रक्त के बहाव को बढ़ाने के लिए आप क्या करें, सर्कुलर मोशन में इसको रगड़ना शुरू करें और उतारें। उसके बाद हल्के गुनगुने पानी में नींबू निचोड़कर चेहरे को अच्छी तरह से धो लें। उसके बाद थोड़े ठंडे साफ पानी से चेहरा धो लें। दोस्तों, स्किन को ब्राइट करने के लिए, लाइट करने के लिए ये फेस मास्क काफी अच्छा रहता है। आप इसे हफ्ते में कम से कम 2 बार उपयोग में ले सकते हैं, यूज कर सकते हैं। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।